देश में हिजाब को लेकर के सियासत चल रही है। कर्नाटक में जो नियम बना उसके बाद हाईकोर्ट में अब इस पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में नई जो गणवेश नीति है वो लागू होने वाली है, नया ड्रेस कोड रहेगा शिक्षण सत्र में। हमारे साथ स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार मौजूद है इस पर बात करने के लिए। मंत्री जी, ये जो ड्रेस कोड है अभी क्या स्थिति है स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर के, और नई जो ड्रेस कोड आने वाले हैं उसमें अब तक क्या रूपरेखा तैयार हुई है? देखिए, पहले से बहुत सारे जो अच्छे स्कूल संचालित है उन लोगों ने अपना एक ड्रेस कोड बना रखा है, परंतु सभी स्कूलों में अभी ड्रेस कोड एक जैसा लागू नहीं है। हम क्योंकि अभी शिक्षा पर बहुत काम कर रहे हैं, एक जैसा स्वरूप दिखना चाहिए और एक अलग पहचान उस स्कूल की बने, उसके लिए वो अपने अपने गणवेश स्कूलों में रखते हैं। हम भी चाहेंगे कि हमारे सरकारी स्कूलों में समान रूप से और अच्छे गणवेश में विद्यार्थी आए, ताकि अनुशासन और समानता दिखे सब में, विद्यार्थियों में आपस में सद्भाव का और समानता का व्यवहार बने। आमतौर पर देखा जाता है कि कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि उनके धर्म में जो ड्रेस रहती है कई बार वो भी पहन के स्कूल आ जाते हैं, तो ये इन सब पे प्रतिबंध रहेगा? मैं किसी एक निश्चित धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, स्कूलों में जिस प्रकार से हम गणवेश तय करने जा रहे हैं, केवल गणवेश को ही अनुमति रहेगी, बाकी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि फिर हम एक समान भाव से समान विचार के साथ में और एक समानता के भाव से हम पढ़ा नहीं सकेंगे, व्यवहार नहीं कर सकेंगे, इसलिए अनुशासन भी ऐसा नहीं रख सकेंगे। अनुशासन के लिए भी जरूरी है और वैसे सब बच्चों में एक समान भाव पैदा हो, क्योंकि स्कूल संस्कार देने की जगह है। स्कूल जो है मत भिन्नता का स्थान नहीं है, वहाँ पर अपने देश की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास के साथ, गर्व के साथ में बच्चे सद्भाव के साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी अच्छे नागरिक बन सके, उसके लिए स्कूल है। इसी ओर मध्य प्रदेश सरकार अपने काम कर रही है। आप जब से मंत्री बने विभाग के, तब से कई नए नवाचार हुए हैं। एक मंत्री के तौर पर, एक ऐसे विभाग के मंत्री जहाँ से बच्चे पढ़ के जब निकलते हैं तो देश का भविष्य बनते हैं, निजी तौर पर आपके विचार क्या है हिजाब को लेकर के? क्या ये स्कूलों में अनुमति होनी चाहिए या नहीं, स्पेसिफिक सा सवाल है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि कर्नाटक में भी विवाद को अनावश्यक रूप दिया गया है। जब हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, इसका मतलब स्कूल में कुछ सीखने को भेजते हैं, विवाद करने को नहीं भेजते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके एक प्रकार का जो परंपरागत रूढ़िता है उस रूढ़िता को थोपने का वहाँ पर काम किया है। मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, और आज के समाज में इस प्रकार का बंधन हर जगह पर रखना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जिन लोग ऐसा कर रहे हैं उनको स्वयं को अपने समाज का आकलन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग एक नीतिगत फैसले के तहत नीति के अनुसार काम करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हिजाब को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय? हिजाब को लेकर मेरा गणवेश के मामले को लेकर है, लोग अपने घरों में हिजाब पहने, बाहर पहने, बाजार में पहने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो गणवेश का पालन, जो नीति बनेगी वेस की स्कूलों में, उसका पालन सब दूर हो, ये मेरा कहना। स्कूल में ना पहने बस, स्कूल में गणवेश में ही आए, स्कूल ड्रेस। बहुत धन्यवाद, बात कर लेती है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार, जिन्होंने हिजाब को लेकर के जो सियासत चल रही है कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी अब जो नया ड्रेस कोड लागू होना है उस पर साफ कर दिया है कहीं ना कहीं कि हिजाब को लेकर के या फिर कोई दूसरी ड्रेस हो, लेकिन इतना तय हो गया है कि नया जो ड्रेस कोड लागू होगा उसी ड्रेस कोड में छात्रों को स्कूल आना होगा, किसी और ड्रेस में नहीं। रमेश पाल सिंह, भोपाल।